आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपने संबोधन में कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा किए गए कुकृत्य का जिम्मेदार पूरे समुदाय या उस जमात को ठहराना ठीक नहीं है। इसी तरह की बातें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं और वक्त बेवक्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मंत्रियों और कार्यकर्ताओं द्वारा नफरत फैलाने वाले वक्तव्यों पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बातें भी की जाती हैं। मेरा ये कहना है स्पष्ट तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े लोगों का ये पुराना शगल है कि वे पहले तो बेबाक तरीके से अपनी मनगढ़ंत मानसिकता को लोगों के बीच में नफरत पैदा करने के लिए प्रदर्शित और प्रचारित और प्रसारित करते हैं। उसके बाद आला कमान, चाहे पार्टी अध्यक्ष हों, चाहे आरएसएस प्रमुख हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, वो ये मीडिया में कहते हैं कि इस तरह की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती समाज में सांप्रदायिकता फैलाने के लिए या दुराव पैदा करने के लिए। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि दो कौड़ी के टुटपंजिए नेता कपिल मिश्रा के वक्तव्यों को लेकर किस तरह से हिंदू समाज के लोगों ने दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल पैदा किया और एक तरफा तरीके से पुलिस की कार्रवाई के द्वारा मुस्लिम समुदाय के लोगों को प्रताड़ित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों और चाहे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सभी ये कहते हैं कि सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए और किसी को भी किसी के खिलाफ अलग-अलग बातें करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीब आ चुके एमएनएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे ने जिस तरीके से वक्तव्य दिया कि सारे जमातियों को गोली मार देना चाहिए, तो उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि बहुत से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अन्य पार्टी के नेताओं ने भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके देश में कार्यकाल के दौरान भी अपने अपने स्तर पर भीड़ इकट्ठा की है और सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही ये कहते हों दो गज दूरी जो है लोगों के बीच में रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर बारीकी से देखा जाए तो सारे देश के बाज़ारों में और सब जगहों पे लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जिस तरीके से सिर्फ लॉकडाउन करके ही समस्या का समाधान ढूंढ रही है, उससे पूरी तरह से कोरोना वायरस से निपटा नहीं जा सकता। मेरा मानना है कि जब तक के जो है पूरी गहनता के साथ टेस्टिंग नहीं होगी और लोगों को जो है प्रचुर मात्रा में इलाज नहीं किया जाएगा, तब तक इस भयावह बीमारी से नहीं निपटा जा सकता। आने वाले समय में जिस तरीके से जो है रोज़ कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा और लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे, मरीज़ों की संख्या बढ़ जाए इसमें कोई आशंका नहीं रखनी चाहिए। मरीज़ों की संख्या बढ़ेगी उस स्थिति में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमराएंगी, इसके लिए सरकार को इंतज़ाम करना चाहिए। दूसरी चीज़, जिस तरीके से कारखाने बंद हो गए, लोग बेरोज़गार हो गए, रोज़ कमाने खाने वालों के आगे खाने पीने की वस्तुओं की कंगाली हो गई है, लोग परेशान हैं, उनको समुचित रोज़मर्रा के संसाधन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को भी सरकार पूरी ईमानदारी से निभाए ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार को चाहिए कि अगर लॉकडाउन आगे के लिए भी बढ़ता है तो नागरिकों के घरों में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएं। कम से कम आदमी अपने घर में रहकर लॉकडाउन का पालन करते हुए रोज़मर्रा की ज़रूरतों को तो पूरा कर सके। जो लोग छोटे मोटी नौकरियां करते हैं उनको उनके एम्प्लायर पैसे देने को नहीं तैयार हैं। सरकार भले ही ये आदेश देती हो कि आप लोग अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दें, लेकिन मूर्त रूप से देखा जाए तो इस समस्या के समाधान के लिए वे
संस्थान भी आगे नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से उनको किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है। सरकार को चाहिए कि जो भी एम्प्लायर हैं जिनके संसाधन उतने ज़्यादा नहीं हैं उनको सरकार आर्थिक पैकेज दे ताकि वे अपने कर्मचारियों और उनके ऊपर आश्रित लोगों को रोज़मर्रा की ज़रूरतें और खाद्य सामग्री के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर सके। राष्ट्र हित में जारी। जय हिंद।